नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक बसेरा आप सभी का संकल्प क्लासेस विजन सक्सेस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक है 60वें ललित कला अकादमी पुरस्कार। तो इन टॉपिक से आप एक नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप बैंक, SSC, रेलवे, कोऑपरेटिव बैंक, LIC, AA, FCAT, CDS, स्टेट एग्जाम, UPSC, पुलिस, ARO, UKPSC या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो अपना सपोर्ट हमें देते रहिए, ताकि हम इसी मोटिवेशन के साथ इन वीडियोज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहें और टाइम टाइम पर आपको नई नई वीडियोज़ प्रोवाइड कराते रहें। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज की मोटिवेशनल कोट है ब्रूसली की। तो उन्होंने कहा है कि याद रखिए, कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वो हिम्मत नहीं हारता। तो बिल्कुल सही बात है, और ब्रूसली ने इसको करके दिखाया है। तो सही, आप इसी जैसे ये कोट में कहा गया है, आप इस पर विश्वास रखिए और लगातार कोशिश करते रहिए, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तभी हमें सफलता या असफलता मिलती है। और सफलता मिलने पर हम खुश हो जाते हैं और असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं और पुनः कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करना बंद नहीं करना है, कोशिश को लगातार करते रहना है, ताकि इन्हीं कोशिशों से हमें सफलता मिल सके। तो आप हिम्मत को बिल्कुल मत हारिए और पॉजिटिव रहिए और लगातार कोशिश करते रहिए, तो आपकी हिम्मत ही आपकी सफलता को निर्धारित करेगी। तो इसी मोटिवेशनल वीडियो कोट के साथ तो हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ये 60वें ललित कला अकादमी अवार्ड है क्या। तो 60वें ललित कला अकादमी पुरस्कारों के लिए 15 विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। और यह अवार्ड, जो इस अवार्ड में एक आपको पैलेक्यू जिसे पट्टी बोलते हैं, एक शॉल और 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। और एक क्वेश्चन और आप याद रख सकते हैं कि जो 60वीं नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट, तो एक राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 25 मार्च से 8 अप्रैल तक होगी। और यह प्रदर्शनी लगेगी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट इन मुंबई। तो मुंबई के दो मॉडर्न आर्ट के गैलरीज हैं, वहाँ ये प्रदर्शनी लगेगी 60वीं नेशनल एग्जीबिशन ऑफ आर्ट। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, ललित कला अकादमी है क्या। तो ललित कला अकादमी, जैसे ही कहा जाता है, राष्ट्रीय कला अकादमी, और यह भारत की राष्ट्रीय कला अकादमी है। और यह एक स्वायत्त संगठन है, अर्थात यह एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपने डिसीजन स्वयं लेती है, यह किसी पर डिपेंड नहीं है। और दोस्तों, इस याद रखिएगा कि इसकी स्थापना क्यों गई थी। तो देश के भीतर और बाहर भारतीय कला की समझ को बढ़ाने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1954 में नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, ललित कला अकादमी स्थित कहाँ है, नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार द्वारा 1954 में, ताकि हमारे आर्ट और कल्चर को आगे को बढ़ाया जा सके। क्योंकि दोस्तों, याद रखिए, किसी भी देश के साथ अगर हमें संबंध स्थापित करने या संबंध अच्छे करने हैं, तो हमारे आर्ट और कल्चर को उस देश की आर्ट और कल्चर के साथ मेल जोल बढ़ाना, इसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव रणनीति मानी जाती है। तो आर्ट एंड कल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने के लिए और हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। और इसमें बहुत सारे लोग अपना योगदान निरंतर देते हैं। तो इस वर्ष 15 विजेताओं की घोषणा की गई है अभी हाल ही में। तो हम जानेंगे इन 15 विजेताओं के नाम और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि एक तो नाम, दूसरा किस राज्य से वो बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो इन 15 विजेताओं के नाम है, तो पहले हैं चंदन कुमार समल, जो कि ओडिशा से बिलोंग करते हैं। दूसरी है गौरी वेमुला, तेलंगाना से। तीसरे हेमंत राव, मध्य प्रदेश से। और चौथे हैं हीरेन कुमार छोटू भाई पटेल, गुजरात से। और पांचवी है जया जीना, ओडिशा से। तो याद रख सकते हैं आप कि चंदन कुमार से समल और जया जीना, ये बिलोंग करती हैं ओडिशा से, गौरी मेमुला तेलंगाना, हेमंत राव मध्य प्रदेश, और हिरेन कुमार छोटू भाई पटेल ये हैं गुजरात से। तो पांच ये हुए। और नेक्स्ट फाइव है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो
के बिलोंग करते हैं केरला से, तो याद रखिएगा के बिलोंग करते हैं केरला से। जितेंद्र सुरेश सुतर, जितेंद्र सुरेश सुतर ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। डगलस मरियन जॉन ये भी बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। प्रताप चंद्र चक्रवर्ती ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, और सरनेम भी चक्रवर्ती है तो आप याद रख सकते हैं इजीली वेस्ट बंगाल से हैं। और रश्मि सिंह हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से। सचिन काशीनाथ चौधरी ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। सुनील कुमार विश्वकर्मा ये भी बिलोंग करते हैं यूपी से। तबस्सुम खान ये हैं बिहार से। और वसुदेव तारानाथ कामनाथ, वसुदेव तारानाथ कामनाथ ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। और लास्ट में हैं 15वीं विनीता सदगुरु चेंदवानकर, तो विनीता सदगुरु चेंदवानकर ये बिलोंग करती हैं गोवा से। तो दोस्तों इन पांच इन 15 व्यक्तियों के नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि स्टेट क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किसे 60वां कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चंदन कुमार समल, गौरी वेमुला, हेमंत राव, हिरेन कुमार छोटा भाई छोटू भाई पटेल, जया जीना, जयश के, जितेंद्र सुरेश सुतर, डगलस मरियन जॉन, प्रताप चंद चक्रवर्ती, रश्मि सिंह, सचिन काशीनाथ चौधरी, सुनील कुमार विश्वकर्मा, तबस्सुम खान, वसुदेव तारानाथ कामनाथ और विनीता सदगुरु चेंडकेश्वर विनीता सदगुरु चेंदवानकर। तो आप इन 15 व्यक्तियों के नाम जरूर याद रखिएगा, ये पेपर में जरूर क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट इसी प्रकार हमें देते रहिए। हम समय समय पर इस प्रकार के वीडियोस आपको तक लेके आते रहेंगे। उसके अतिरिक्त हमने करंट अफेयर मार्च के इम्पोर्टेंट मार्च के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज लॉन्च की है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अतिरिक्त मार्च के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अतिरिक्त हमने जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे कुछ वीडियोस बना रखे हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे न्यूज़ पेपर और उनके एडिटर पे एक वीडियो बनाया गया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। इधर पर को हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डेली अपडेट करते रहते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार कोशिश करते रहिए, निरंतर प्रयत्नरत रहिए, क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। इसी आशा के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।